आज की सुबह चेक करते हैं। रात को बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था बारिश का। धनिया काट लिया है, अभी थोड़ा सा पुदीना भी काटती हूँ। चने की दाल और चिकन। तो जब तक पहले अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूं, अभी मैंने खाना बनाना है। और आज माशाल्लाह से वेदर बहुत ही प्यारा है। कल बहुत गर्मी थी और आज काफ़ी बेहतर है। आज मैं थोड़ा सिंपल ही ब्रेकफास्ट बनाया। यूजुअली संडे को मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ। मैं और मेरा बेटा गए हुए थे जिम में सुबह सुबह, और नाश्ते के बाद उसके बाद आके हमने बनाई अपने लिए स्मूदी। और ये केल एवोकाडो और उसकी है स्ट्रॉबेरी की है, बहुत मज़े की ये स्मूदी बनती है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया था, साथ मैंने ये सारी चीज़ें डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था। और आप ही बनाना, ट्राई करना, ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ तैयारी होगी है शॉपिंग की, सो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। बहुत ही अच्छा बाहर आज वेदर था, गर्मी बहुत थी, पर यह है कि हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। हमने 3-4 स्टोरों पे जाना था, थोड़ी थोड़ी जगह से हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी थी। सो उसके बाद हमने घर आके कुकिंग भी करनी थी। काफ़ी अच्छे व्यू थे, आप सबके लिए मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की है। घर आके पहले मैंने बनाया था हलवा, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं बना के रखती हूँ हमेशा। ये सूजी और बेसन का हलवा है, बहुत मज़े का बनता है। मुझे कभी कभी कोई ना कोई स्वीट चाहिए होती है, सो मैं बना के अपने लिए फ्रिज में रख लेती हूँ। यहाँ मैंने एक कप दाल निकाल ली है, मैंने इसको 2 बार पहले वॉश कर लिया। अब इसको मैं इस पानी में सोकर रखूँगी तकरीबन जब तक हम शॉपिंग से वापस आते हैं, क्योंकि आज मैंने बनानी है दाल और चिकन। अब दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी, इसको मैं डालूँगी इस पैन में। इसको मैं पहले उबाल लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट। लेकिन मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँ। यहाँ पैन में मैंने डाले हैं तकरीबन 2 बड़े बड़े अनियन ब्रीक काट के, और उनको मैंने हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और साथ मैंने जिंजर एंड गार्लिक डाल के उसको अच्छे से भून लिया है। यहाँ मेरी दाल भी उबर रही है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी चिकन।
चिकन को मैंने, ये होल चिकन है, मैंने इसको काट के अच्छे से धो लिया और इसको मैंने ड्राई होने के लिए रखा हुआ था क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है समय। सो अब मैं ये सारा चिकन इसके अंदर डाल दूँगी। अब यहाँ मैंने एक बड़ा सा टमाटर काट के रखा हुआ है, अब मैं ये चिकन में ऐड करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी फैमिली की बहुत ही फेवरेट डिश है। अब हम ऐड करते हैं अपने स्पाइस। चिकन अच्छे से भुन गया। नमक मैंने दाल में थोड़ा सा डाला हुआ है, इसमें मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी और 1 टीस्पून फुल मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, फुल मैंने कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्रश पेपर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून यहाँ डालूंगी मैं हल्दी पाउडर। और अब इन सारे स्पाइस को मैं करूंगी चिकन के साथ मिक्स। दाल चिकन थोड़ा स्पाइसी होए तो मज़े का लगता है। मैंने चिकन को स्पाइस के साथ अच्छे से भून लिया और अब इसको मैं थोड़ी देर सिमर होने दूंगी और इसके ऊपर मैं रख दूंगी कवर और साथ ही मैं चावल भिगोने हैं अभी, पहले साथ मैंने बिंदियाँ बनानी हैं वो धो के रखी हैं, अभी बर्तन धोने हैं ये करके फिर मैं चावल वॉश करूँगी। जब तक मेरा चिकन और चिकन अभी सिमर हो रहा है, जब तक दाल और चिकन रेडी होते तब तक मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, सफाई भी कर ली है और नेक्स्ट हांडी की तैयारी भी कर रही हूँ। अभी ये मैंने भिंडियाँ धो के रखी हैं, अभी इनको मैं काटूँगी, साथ चावल भी धो लिए हैं, बर्तन भी धो लिए हैं सारे और सिंक भी साफ़ हो गया, सारा काउंटर भी साफ़ कर लिया है। खाना बनाऊँगी क्योंकि आज थोड़ी देर बाहर जाना है। अब चिकन चेक करते हैं, चिकन बहुत अच्छे से बन गया, सिमर हो चुका है बहुत अच्छे से, ये देखिए कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, गल भी चुका है। और अब चेक करते हैं दाल, दाल भी रेडी हो गई है। दाल भी गल चुकी है, अब हम करेंगे इन दोनों चीज़ों को मिक्स। अब करते हैं हम इसके अंदर अपनी दाल ऐड। यहाँ मेरे चावलों के लिए पानी भी रेडी हो गया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल, ये बस खाली मैंने वाइट चावल ही बनाने हैं। मैंने चावल भी दम पे लगा दिए हैं, माशाल्लाह से मेरी दाल और चिकन भी रेडी हो गया। और अब मैं चली हूँ बाहर थोड़ा सा धनिया लेने, थोड़ा सा धनिया ले लूँ, आज लगता बारिश आनी है, फिर बादल आ गए हैं, से सूरज चला गया दोबारा से। कितना प्यारा धनिया है,
अपने गार्डन से काट के धनिया खाने में डालो तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही बात है, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना रहने दूंगी, जब तो दाल वगैरह बनाओगे तो उसमें डालूंगी, ये भी उड़ती है। साथ थोड़ी सी चटनी बना लूँगी क्योंकि मैंने धनिया भी साथ बनाए, ये बहुत फ्रेश फ्रेश माशाल्लाह से पुदीना है, थोड़ा सा काटूँगी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा चटनी नहीं बनाती है। बड़ी अच्छी इसकी खुशबू है माशाल्लाह। माशाल्लाह से मेरे चिकन एंड दाल हो गया रेडी। चने की दाल और चिकन बहुत मज़े के बनते हैं। और अब मैं चिकन को करूँगी गार्निश। चावल भी रेडी हो गए हैं और धनिया जो मैं अपने गार्डन से काट के लेके आई हूँ, बहुत ही उसकी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं ये वो डालूँगी दाल के ऊपर और माशाल्लाह से यहाँ मेरा हो गया खाना रेडी। अब हमें लगी है भूख और हम पहले खाने लगे हैं अपना खाना, उसके बाद देखा जाएगा बाकी का काम। माशाल्लाह सालन बहुत ही अच्छा बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला भी डाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ ही मैंने बनाए थे बिरयानी, बहुत ही ईजी वे है बिरयानी बनाने का। मैंने इनको फ्राई कर लिया था और आलू और प्याज को भी फ्राई कर लिया था, फिर मैंने मसाला बना के बिरयानी उसके अंदर ऐड की थी। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। एक तो सब्ज़ी बना के रख लूँ तो वे कच्चा गुजर जाता है। यहाँ तैयारी हो रही है एक हेल्थी बार बनाने की और ये मैं महीने में एक बार ज़रूर बना के रखती हूँ। और आज टाइम था तो सोचा ये भी मैं बना लूँ, बच्चों के लिए थोड़ा आसानी हो जाती है, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत हेल्दी है। और सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पे शो कर दी। शाम के डिनर में हमने बनाए थे कबाब, क्योंकि दिन की दाल भी थी, चिकन और दाल भी थी, चावल भी थे, सो हमने हले कबाब बना लिए। वैसे भी ये मेरे बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं और ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। एक पैन में मैंने कबाब बनाए थे, दूसरे पैन में मैंने जो ग्रिल पैन था उसमें मैंने थोड़े से अनियन और ग्रीन मिर्चें थोड़ी सी पैन में डाल के उनको हल्का सा स्मोकी बना लिया था। और उसके ऊपर मैंने ये कबाब डाले, उनको उसके ऊपर धनिया डाला, माशाल्लाह से ये रेस्टोरेंट स्टाइल उसकी लुक आनी शुरू हुई थी। ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, बीफ के कबाब हैं। और आज का ये सारा दिन बहुत ही बिज़ी रहा, हमने सारे दिन में क्या क्या किया आप सबके साथ शेयर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया, काफ़ी बिजी दिन था और आप सबके साथ मैंने अपना डे स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, आप लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा ये कुकिंग व्लॉग कैसा लगा। और मेरी ये फर्स्ट ट्राई थी कि मैंने ये सारा इतना बड़ा व्लॉग बनाया, कुकिंग भी साथ की और साथ मैंने शॉपिंग वगैरह के लिए भी बाहर गई। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, सो आई होप यू गाइस लाइक इट और मुझे दुआओं में शामिल रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।